नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए, मतलब एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो कितने पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं इसी को आज डिस्कस करना। मतलब ए जो सेट है वो डोमेन का सेट, ये डोमेन का सेट है, और बी जो सेट है वो कोडोमेन का सेट है। तो टोटल कितने फंक्शन हो सकते हैं ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए। देखिए ये सेट है, ये डोमेन का सेट, और ये जो सेट है वो कोडोमेन बी है, कोडोमेन का सेट। और तब डोमेन में एलिमेंट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एम, मतलब ये जो फंक्शन है इसमें डोमेन में इतने एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर और एक्स है, मतलब इसके डोमेन में एम एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर एम एक्स है, और कोडोमेन में एलिमेंट है y1 y2 y3 y4 dot 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 yn, मतलब डोमेन में m एलिमेंट्स और कोडोमेन में एन एलिमेंट्स। अब कितना फंक्शन कौन करेगा, तो देखिए एक्स वन का कोई भी इमेज हो सकता है, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई थ्री, तो एक्स वन का कितना इमेज किसी से मिल सकता है, यहां पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इक्वल x1 जो एलिमेंट है इसके y1 y2 y3 y4 yn में से कोई भी इमेज हो सकता है, तो कितना इमेज में n हो इमेज, तो n। अब x1 का हो, और ध्यान देना है कि क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताना है, तो जो x1 का इमेज जैसे y1 होगा तो x2 का भी इमेज y1 हो सकता है, मतलब y1 का भी n इमेज हो सकता है, अब y x3 का भी n इमेज हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, और ये n जो होगा इसकी संख्या कितनी होगी, एक्स वन का है एक्स टू का है एक्स थ्री का है एक्स फोर का है, मतलब जितना एम होगा उतना ही एन होगा।
मतलब इसका नंबर हो गया नंबर एम, मतलब ये एन जो है वो एम टर्न तक गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे एन है तब दो टर्न तक गुणा करेंगे तो एन गुना है, मतलब एन स्क्वायर, तीन गो एन को गुना करेंगे तो एन क्यूब, चार गो एन को गुना करेंगे तो एन पावर फोर, पांच गो एन को गुना करेंगे एन एन पावर फाइव। तो उसी प्रकार ये एम को एन को गुना कर रहे हैं तो एन पर पावर एम, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया एन पर पावर। अब इसको जनरलाइज करके लिखिएगा तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोर डोमेन, पावर टोटल नंबर ऑफ कोर, मतलब कोर डोमेन में एन एलिमेंट्स है, यहां पर एन रख दें, और डोमेन में एम एलिमेंट है तो पावर में एम रख दें, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा एन पर पावर। एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड बी इक्वल टू वन फोर नाइन सिक्सटीन, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B is equal to सोलह बत्तीस सिक्सटी फोर टू फिफ्टी सिक्स। तो देखिए ये जो फंक्शन है वो ये है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू, तो सेट ए हो गया डोमेन और सेट बी हो गया कोर डोमेन, तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में वन टू थ्री फोर फोर एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोर डोमेन इक्वल टू फोर। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो, फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ कोर डोमेन पावर टोटल नंबर ऑफ डोमेन, तो कोर डोमेन में चार एलिमेंट, डोमेन में भी चार एलिमेंट, चार पर पावर चार, चार गुना चार
चार बोल चार 256। इसका आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 पर पावर 6। किसी भी फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पर क्या y इक्वल टू एफ एक्स बीटा गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बीटा गिवन फंक्शन देन द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ए, मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हो एक्स इक्वल टू ए पर इस फंक्शन का वैल्यू बताना है तो हम एक्स की जगह पर ए रख दें, तो एक्स की जगह पर ए रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा वाई इक्वल टू एफ। अब देखिए जैसे यहां पर दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, इसको एफ एक्स भी बोल सकते हैं वाई भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे वाई इक्वल टू 4x+3 भी लिख सकते हैं या फिर एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 लिखा हुआ है और वाई इक्वल टू 4x+3 लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक ही चीज है। एफ एक्स भी लिख सकता है एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 या वाई भी लिख सकता है वाई इक्वल टू 4x+3। देन फाइंड एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ वन निकालना है, एफ टू निकालना है, एफ थ्री निकालना है। मैं एफ वन निकाल रहा हूं तो एक्स की जगह पर वन रखेंगे, तो जब इधर एक्स की जगह पर वन रखेंगे तो इधर भी एक्स की जगह पर वन रख रहा हूं 4 × 1+3 4+3 7 एफ टू एक्स की जगह पर 2 रखेंगे 4 × 2+3 8+3 11। अब मान लीजिए एफ जीरो निकालना है, तो एफ जीरो निकालना है तो एक्स की जगह पर 0 रख दें एफ जीरो, तो 4 × 0+3 0+3 3। तो चाहे फंक्शन किसी भी प्रकार का दिया हुआ हो, यदि किसी फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालना है, इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल की जगह पर उस पॉइंट को रखते जाएंगे, जो वैल्यू आएगा वो इस फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा उस पॉइंट। यहाँ पर देखें एक सवाल है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2 sin x + cos x then find f 0 and f pi by fx equal to
प्लस cos x, f जीरो निकालना है तो साइन जीरो प्लस cos जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, cos जीरो का वैल्यू वन होता है, इसलिए f जीरो का वैल्यू वन। अब f पाई बाय टू निकालना है तो x की जगह पर पाई बाय टू रख देते, साइन पाई बाय टू प्लस कॉस पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू का वैल्यू वन होता है, कॉस पाई बाय टू का वैल्यू जीरो, तो एफ जीरो का वैल्यू भी वन है और एफ पाई बाय टू का वैल्यू भी वन है। अब देखिए इफ एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन टू और एफ एक्स इक्वल एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू टू, देन फाइंड एफ टू एफ जीरो एफ वन एफ वन बाई टू इटी, इस प्रकार का सवाल होगा। तब फंक्शन किस प्रकार निकालेंगे, देखिए कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन होगा जब एक्स का वैल्यू दो से बड़ा हो, मतलब जहां भी एक्स का वैल्यू दो से अधिक पर निकालना है। यहां पर एक और पॉइंट ले सकते हैं, जैसे एफ थ्री लिख देते हैं तो दो से बड़े पर इस फंक्शन का यूज करें, लेकिन दो के बराबर हो या दो से छोटा हो तो इस फंक्शन का यूज करें। तो देखिए यदि हमें f3 निकालना हो, f3 ये वैल्यू दो से बड़ा है तो fx इक्वल टू 4x प्लस वन का यूज करें, एफ थ्री इक्वल टू फोर इंटू थ्री प्लस वन, ट्वेल्व प्लस वन थर्टी, एफ टू निकाल रहा हूं। देखिए x का वैल्यू दो होगा या दो से बड़ा होगा, दो होगा तो भी इसको यूज करें, या दो से छोटा होगा तब भी यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही वैल्यू दो से बड़ा हो जाए इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो f2 इक्वल टू f2 निकालना होगा तो इस फंक्शन का यूज करेंगे, fx इक्वल टू x f2 इक्वल टू टू। अब आपको निकालना है f0, तो f0 जो है ये भी दो से छोटा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ जीरो इक्वल टू जीरो। अब आपको निकालना है एफ वन, तो एफ वन यूज करना है तो भी यूज करें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ वन इक्वल टू। तो इस प्रकार का फंक्शन ये हुआ वैल्यू जब फंक्शन एट ए पॉइंट, तो सवाल चाहे किसी भी प्रकार का दिया हो फंक्शन का वैल्यू इसी प्रकार का ही होगा। आगे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे आपको जिसमें कि